भाग भागो बस अबे भागो रोहित रोहित आप सभी लोग जल्दी से यहां से निकल जाइए यहां ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है जमांत्रम धरत्याम कालंत्रम प्रकटम प्रकटम हजारों वर्षों के पश्चात मिली है हमें हमारी आजादी और प्रचंड शक्ति हमारी ये आजादी और प्रचंड शक्ति बनेगी तुम सबके विनाश का कारण हमारी आजादी के सूर्य उदय के साथ तुम सबके जीवन का सूर्य अस्त होगा रानी परी बाल परी विषधार परी आर पार परी भटकाती परी भटकाती परी डरी परी हम आ गए हैं तुम सबको तुम्हारे कर्मों का दंड देने हमारे लालच के कारण जीवित होते हुए भी हजारों साल हम धरती में समाये रहे सबको ढूंढ लेने के पश्चात
हम सीधा तुम्हारे जीवन का विराम कर देंगे। ब्रह्मांड में कहां छिपी हो तुम परियों, कहां छुपी हो? बाप रे, वहां की जमीन कितनी हिल रही थी। हाँ यार, और वो आवाजें सुन के तो मेरा जी बहुत खट्टा हो रहा था। वो जगह ही बहुत बेकार। अरे मानव, बॉल पास करना। ये ले। मुझे पढ़ने वाली है तो तेरा जी इकट्ठा क्यों हो रहा है? ए पिदे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को बॉल मारने की? तूने जरा भी नहीं सोचा कि फुटबॉल को कितना दर्द हुआ होगा? हाँ जिस भी ग्रह पर इन परियों का वास हो वो मेरी नजरों से नहीं बच सकती है। हमारी प्रचंडतम शक्तियां भी परियों का स्थान नहीं ढूंढ पा रही हैं। प्रतीत होता है कि परियों ने जादुई तरंगों से अपने आप को बचाने के लिए कोई जादुई शक्ति प्राप्त कर ली, परंतु हम भी विश्राम नहीं करेंगे जब तक हम इन परियों को ढूंढ ना निकालें। बालवीर, परियों, हमें ऐसी सूचना मिली है कि पृथ्वी लोक में पृथ्वी कुछ इस तरह से हिली जैसे कि कोई भयानक भूकंप आया। पर शुक्र है रानी परी, अब सब कुछ शांत है। लेकिन नक्कट परी, कभी कभी इतनी शांति आने वाले खतरे का संकेत भी होती है। अब डरिए मत डरिए परी, अब अपनी नई शक्तियों के साथ मैं बुरे शक्तियों का और भी अच्छे तरीके से मुकाबला कर पाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बालवीर,
लेकिन ये मत भूलिएगा कि बुराई की शक्ति भी कई गुना बढ़ती जा रही है। हाँ बालवीर, और वो कब और किस रूप में अच्छाई पर आक्रमण करेगी ये हम सोच भी नहीं सकते। हाँ बालवीर, भटकाती परी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं भी छुप जाओ परियां, हम तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। पागल हो गए? नहीं, ये सब पागल हुए नहीं है, हो जाएंगे। मोंटू और मानव को देख, ऐसा लग रहा है जैसे शिकार और शिकारी दोनों दोस्त बन गए। ओ हेलो, मैंने कहा हाय। वेल, मैं कंफ्यूज हूँ, तुम लोग बोल नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते? ओ वाह, वो वैसे इतना तो बता सकते हो ना कि प्रिंसिपल सर का ऑफिस कहाँ है? थैंक यू, कूल। हेलो मोंटू, चुप जाएंगे। खींचने की कोशिश कर रहा है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए परियो, हम सबको मिलकर इस शक्ति को परिलोक को खींचने से रोकना चाहिए। मुझे बस थोड़े समय की जरूरत है, तब तक आप सब अपने आप को संभालिए और अपनी शक्तियों को एकत्रित कीजिए। कौन सी जादुई शक्ति है जिसने ग्रह को खींचने की हमारी इस गति को कम कर दिया? परियो, अब आप सभी इसी दिशा में एक साथ वार कीजिए। ठीक है बालवीर, चलिए परियो। हम पर वार करने वाली एक नहीं, बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं।
ये क्या हुआ? अचानक सब रुक कैसे गया? हम पर वार करने और रोकने वाली शक्तियां शायद ये परियां ही थी, और यदि ये बात सत्य निकली तो हम इन्हें बहुत बड़ा दंड देंगे, बहुत बड़ा। लेकिन इस समय हम अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके कमजोर हो गए हैं, और परियों पर दोबारा वार करने के लिए हमें अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाना होगा, और इसके लिए हमें पृथ्वी लोक पर जाना होगा जहां परियां हमें खोज ना सके। जादुई शक्तियां और भी प्रचंड और भी घातक होकर लौट आई। परियों पर हम अब ऐसा तीव्र वार करेंगे कि अब हम नहीं वो अपना शीश झुकाकर हमारे पास आए।